गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जामिया नगर नतमलपुर में एक व्यक्ति को 5 अज्ञात लोगों द्वारा लाठी डंडों से मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची गोरखनाथ पुलिस ने इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा घायल व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि मृतक की पहचान मेराजुल हक के रूप में हुई है, जो कि गोरखनाथ थाने का हिस्ट्री शीटर है। परिजनों से किसी से पुरानी रंजिश व विवाद का पता लगाया जा रहा है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि 4 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, तभी 5 अभियुक्तों द्वारा लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसको पुलिस द्वारा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हमलावरों की पहचान की जा रही है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, थाना गोरखनाथ क्षेत्र में 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो अपने घर से निकल के जा रहा था, घर से थोड़ी दूर पर 5 अज्ञात लोगों द्वारा उस पर हमला किया गया। उसको लाठी डंडों से उसके सिर पे वार किया गया, उसकी वजह से उसको रेफर किया गया मेडिकल कॉलेज, जहां पे उसको मृत घोषित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि ये व्यक्ति मेराजुल हक नाम से हिस्ट्री सीटर है और इस पर कई प्रकार के मुकदमे थाना गोरखनाथ में दर्ज हैं, एवं इसके परिजनों से बात कर पता लगाया जा रहा है कि किसी प्रकार की रंजिश तो नहीं है, एवं आसपास में जितने भी सीसीटीवी हैं उन सबको खंगाला जा रहा है, एवं 3 टीमें लगाकर जल्द ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा।